इस शुभ अवसर पर क्षत्रिय समुदाय के द्वारा महाराणा प्रताप जी की मूर्ति पर माला अर्पण किया गया। इस अवसर पर सब परिवार छत्तीसगढ़ प्रदेश से पधारे। अखिल भारतीय छत्तीस महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह कार्यक्रम स्थल में पहुँच कर महाराणा प्रताप की मूर्ति पर माला अर्पण कर उन्हें नमन किया। वही क्षत्रियों ने भी श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह का स्वागत फूल मालाओं से किया। महाराणा प्रताप जयंती के शुभ अवसर पर जिला मुख्यालय के मुख्य मार्गों से होकर बाइक एवं कार रैली निकाली गई। बाइक रैली कार्यक्रम के दौरान समाज को एकजुटता के साथ रहने और एक दूसरे को परस्पर सहयोग करने का संदेश दिया। क्षत्रिय महासभा के द्वारा पूरे भारत में महाराणा प्रताप की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वही क्षत्रिय समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि सकारात्मक सोच के साथ अपने समुदाय के हितों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए संकल्पित है और भविष्य में भी समाज के प्रति सेवा भाव से कार्य करते रहेंगे। उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की खास रिपोर्ट। जन्म दिवस के अवसर पर ये मजिला नगर के युवा क्षत्रियों द्वारा निकाली गई थी, जिसका उद्देश्य ये था कि हम महाराणा प्रताप के जो यशोगान है, जो महाराणा प्रताप की इस देश के प्रति समर्पण था, जिन्होंने खास की रोटी खाई लेकिन मुगलों से समझौता नहीं किया, अपने इरादों से समझौता नहीं किया और अपने अंतिम सांस तक कहीं मुगलों से हार नहीं मानी और भारत देश को अखंड बनाने के लिए इस भारत में हिंद स्वराज स्थापना करने के लिए अपनी जी जान लगा दिया, ऐसे महान सपूत के लिए हम उनके वंशज हैं और उनके वंशज होने के नाते और इस देश के युवा होने के नाते ऐसे महान योद्धा का जन्मदिवस मनाना हमारी सौभाग्य का विषय था। आज उमरिया शहर का ही नहीं बल्कि उमरिया के आसपास का युवा छत्री पूरे ताकत के साथ, पूरे जोश के साथ इस रैली में सम्मिलित हुए। छत्री महासभा की यूथ ब्रिगेड के द्वारा ये कार्यक्रम कराया गया और इसके मुख्य अतिथि जसपुर राजघराने के श्रीमंत विक्रमादित्य सिंह और हमारी चंदियागढ़ी के छोटे कुंवर रहे। कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ, जिसमें युवाओं की मेहनत और उनके समर्पण और जोश और जज्बे के कारण ये कार्यक्रम संभव हो पाया। पूरे जिले के युवाओं ने इसमें अपना भरपूर समर्थन दिया और उनकी वजह से ही ये कार्यक्रम सफल हुआ। महाराणा प्रताप जी अपने राष्ट्रपति और बहुत आदर्श इतिहास आज भी है, बहुत खास है, जाना जाता है। लड़के लोग नहीं करवा।